पास में जब बच्चे आपस में बात कर रहे हैं वो संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं कि ये घटना क्या हुई है, इतनी निंदनीय घटना है, तो रितेश धर दुबे जो गेस्ट लेक्चरर है जो वेद कुमार के नहीं कर रहा है आके बोलता है क्या हुआ, दुख मनाने की क्या चीज है, ये तो मरने के लिए है और मरेंगे। मैं दोबारा घटना याद दिलाता हूँ, क्या बोलते हैं, हम 7-8 बच्चे बात कर रहे हैं क्लास के और अपने आप वॉलंटियरली आके पूछते हैं क्या हुआ, तो हमने बोला कि सर ऐसी घटना हुई है, तो क्या बोलते हैं, तो क्या हुआ, दुख क्यों मनाना के लिए है, मरेंगे। ये मानसिकता है, ऐसी मानसिकता को बाहर फाड़ फेंकना चाहिए, नहीं रहेगा कोई भी। उसके बाद क्या बोलते हैं कि क्रिटिसाइज करना है तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करो। हमने पूछा भाई क्या बात है ऐसी, तो बोलते हैं वो सरकार को, सरकार सेना को मरने के लिए भेजती है, तो क्या चाह रहे हैं वो, कि हम सरकार के खिलाफ आंदोलन करें। वो प्रोवोक कर रहे हैं क्या बच्चों को, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब कर रहे हैं वो, यहाँ पे क्यों कर रहे हैं भाई, वो सेना को मरने के लिए नहीं भेजा जाता। हाँ उनकी लाइन ऑफ ड्यूटी में आता है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आम जनता को ये मालूम चले कि भाई मरने के लिए ही भेजा जा रहा है तो कौन आएगा। ऐसी मानसिकता को यहाँ नहीं सहेगा कोई भी स्टूडेंट। तीसरी बात, अगले दिन क्लास में क्या बोलते हैं, भरी क्लास में क्या बोलते हैं, आई स्टैंड बाई माई वर्ड्स। ये लाइन है उस रितेश धर दुबे की। उसके बाद बोलता है ये तो मरेंगे, ये सब बेवकूफ है। अगली लाइन क्या बोलता है, ये सब बेवकूफ है, इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, सेना पुलिस वाले सब बेवकूफ हैं जो भर्ती हो रहे हैं और जो मार्टर है सब बेवकूफ हैं। ये इनकी लाइन है, उनके परिवार वाले भी बेवकूफ हैं। ये ऐसी मानसिकता है। और मैं सबसे बड़े ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आप सबका कि सबसे बड़ी जो तीसरी लाइन बोली थी, क्या बोलते हैं, झारखंड पिछले साल झारखंड का याद है, कितने मारे थे, नागालैंड याद आ रहा है, क्या हो रहा है, और आगे अब तो देखते जाओ इससे बड़ा होगा। और वेद कुमारी मैडम फिर क्या करती है, शो कॉज नोटिस देती है, जो बच्चा कंप्लेंट कर रहा है उसको शो कॉज नोटिस देती है कि क्यों नहीं आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए। क्या इस चीज को सहेगा आप सब में, नहीं। और बात दूसरी क्या आती है, उस बच्चे ने इवनिंग सेक्शन में एडमिशन लिया हुआ है, उसने अपने फॉर्म में नोट डाउन कराया हुआ है कि मैं वर्किंग हूँ, मैं मेरी ITR भी फाइल करता हूँ, मैं इनकम टैक्स पे करता हूँ, उस चेंज कर दिया मॉर्निंग सेक्शन की वो जॉबलेस हो जाए। ये कैसी मानसिकता है, ये कैसा एक्शन ले लिया। आप लोग के डीन है, लॉ फैकल्टी के डीन है, आपने उसको बिना मौका दिए एक्शन ले लिया और आप कह रहे कि आप FIR कराओगे किडनैपिंग का। और मुद्दा क्या बनता है, उस रिते को जिसको पब्लिक पकड़ के मार देती, वो भाग रहा था चिल्ला रहा था, कोई उसको पकड़ के अगर थाने ले जाता है तो कहती है ये तो किडनैप कर लिया हमारे रितेश धर का। क्या ये सही सहेगा इसे दिन का। हमारी मांग इतनी है कि इसके ऊपर VC हो, MHRD हो, UGC हो, जिसको भी एक्शन लेना है सबसे पहले इस दीन वेद कुमारी को यहाँ से बाहर निकालना चाहिए। और दूसरी बात, रितेश धर दुबे की PhD का जो एनरोलमेंट है वो कैंसिल हो और पुलिस हमारे मैटर में कॉग्निजेंस ले और उसके खिलाफ 124A धारा लगा के उसको बंद करना चाहिए। और जो कि वो SHO के ऊपर अपने लिंक से दबाव बना रही है और कहला रही है नहीं उसके खिलाफ नहीं, जो बच्चा लेके आया उसके खिलाफ किडनैपिंग के चार्जेस लगा दो। ये इस तरीके से इन लॉ स्टूडेंट के साथ काम कर रही है। अगर फिर भी आपको लगता है वेद कुमारी का एक पवित्र करतूत आपको बताते हैं कि वो अजमल कसाब की मर्सी पिटीशन पे सिग्नेटरी है जो कि इस लॉ ये हमारी मांग है कि पुलिस को जो हमने कंप्लेंट दे रखी है 100 नंबर पे हमने कॉल की है, पुलिस को कंप्लेंट दे दी, कोई उसको पकड़ के लेके चला गया, इनको कोई गुनाह नहीं किया, और किया भी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर लो, 1 महीना 2 महीना 3 महीना जितने दिन जेल में रखने रख लो। लेकिन हमारी मांग है कि उस रितेश धर दुबे के खिलाफ कार्रवाई हो। ये इन मांगों के साथ आज हमारी मूवमेंट चल रहा है और आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि जो ये झूठी भ्रामक खबरें फैला रहे हैं, ये टीचर्स, एक टीचर को पीट दिया गया, अरे इस टीचर को तो पीटना नहीं, इसको तो फेंक देना चाहिए था इस इंडिया की बाउंड्री के बाहर।
ये सबसे निवेदन है कि आप प्रसाद दो इसमें। धन्यवाद। उसने बोला कि यहाँ तक बात बोली कि मैं हिंदू हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, मार्क्सवादी नहीं, वो तो हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं। मैं दूसरा चीज ये बताना चाहूंगा कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का टीचर नहीं है। वेरी फर्स्ट डे जिस दिन वो क्लास में आया था उसके अगेंस्ट में कंप्लेन थी कि वो क्लास अच्छा लेने में इनकम्पिटेंट है। वेरी फर्स्ट डे फिर भी उसको पहली बार हटाया गया लास्ट सेमेस्टर में। अगेन इस सेमेस्टर में भी उसने क्लास ली तो उसके वेरी फर्स्ट डे उसके अगेंस्ट कंप्लेन थी कि इसको हटाया जाए किसी तरह से। लेकिन फिर से वेद कुमारी मैम बैठ के रात के 10:30 बजे तक हमारी क्लास लेती है उसके सपोर्ट में कि उसको रखना है किसी भी तरह से। आप लोग गलत है, आपने जो एप्लीकेशन फाइल किया है वो गलत है। और जो टीचर फैकल्टी इसके सपोर्ट में आते हैं कि भाई एक फेयर इंक्वायरी होना चाहिए, वो बोलती है तुम्हें देख लूंगी मैं और मैं देख लूंगी मैं उस टीचर को। और अगले दिन उनके पास नोटिस भी आ जाता है कि क्यों नहीं आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक स्टूडेंट टीचर्स की एक मीटिंग हुई है, उसमें LC1 का प्रेसिडेंट था, बाकी 7-8 प्रोफेसर थे। एक प्रोफेसर ने आवाज उठाई कि तुम उस बच्चे के खिलाफ गलत एक्शन ले रही हो, उसके खिलाफ एविडेंस क्या है, उसको क्या आपने मौका दिया, क्या आपने उसको सुना? तो उस टीचर को बोलती है तुम्हें तो मैं देखती हूँ। और उनके पास अगले दिन नोटिस भी भेज दिया गया कि क्यों नहीं आपके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, आप यहाँ का माहौल खराब कर रहे हैं। ये वेद कुमारी की मानसिकता है, इस मानसिकता को ही नक्सली कहा जाता है। इसको छोड़ो।